हेलो एवरीवन, मेरा नाम निधि मिश्रा है। सीरीज़ का सेकंड पार्ट है ये, और हम लोग आज भी साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिर से रिपीट करूँ तो हमारा मोटो वही रहेगा कि हमें क्या करना है इन क्वेश्चंस के थ्रू। एक तो ये देखना है कि हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है ना, हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो फैक्चुअल हो चाहे वो अपने कंसेप्चुअल हो। ठीक है, एक पहला है अप्रोच, दूसरा है आपको फैक्ट्स तैयार कराना है, और तीसरा है कि आपके जो भी टेस्ट सीरीज़ और जो भी आप PYQs लगाने वाले हैं वो किस तरह से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ आप उन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं वो है। ठीक है, तो ये अपने तीन थोड़े थोड़े क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, सो दैट एक अप्रोच धीरे धीरे डेवलप हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, हवाओं की ऊर्जा होती है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला है आपका कंसेप्ट। उस दिन भी अपन ने बोला था कि सबसे पहले क्वेश्चन दो बार पढ़ना है, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, ऑप्शन पढ़े बिना आंसर नहीं करना है। ठीक है, हवाओं की ऊर्जा होती है, सबसे पहले उन्होंने पूछा है हवाएं, दूसरा है ऊर्जा। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे ये है कि जब भी विंड की आप बात करेंगे, हवा जो है वो हमेशा मूविंग होती है। ठीक है, विंड क्या है? मूविंग है। मूविंग है यानी क्या है? वो हमेशा मूव करती है, ठीक है, चलती रहती है। तो जब अपन एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं या ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, तो ऊर्जा कितने तरह की होती है? दो है अपने पास, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। तो जब मैं एनर्जी की बात करूंगी तो मेरे पास दो एनर्जी होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब मैं इनके फॉर्मूले की तरफ आऊंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा? एनर्जी इज इक्वल्स टू, जब पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगी तो MGH लिखती हूँ मैं फॉर्म्यूला, और जब मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूंगी तो ½ mv² लिखूंगी। देखो, अब यहीं से तुम्हें समझ आएगा। सबसे पहले अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, क्या इन्वॉल्व है? वी। वी क्या होता है? वेलोसिटी। तो जब भी तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी की बात आएगी तो तुम्हें यहीं से समझ आ जाएगा कि अगर वी इन्वॉल्व है यानी वेलोसिटी इन्वॉल्व है, यानी क्या है? ये चीज़ मूविंग है। ठीक, अगर ये वेलोसिटी मान लो जीरो हो गई तो तुम्हारी पूरी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। मतलब यहाँ से तुम्हें क्या चीज़ें समझ आई? पहली बात कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स में होती है, वहाँ पे वेलोसिटी होना ज़रूरी है। ठीक, दूसरी बात, जब वहाँ पे वेलोसिटी नहीं है तो वो क्या हो जाएगी? आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे अपन वो करेंगे? MGH। देखो, जैसे अपन बोलते हैं ना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अपन पानी से ऊर्जा बनाते हैं, है ना। तो कैसे बनाते हैं वो? अपन पानी को एक हाइट पे स्टोर करके रखते हैं, फिर वो पानी एक टरबाइन पे छोड़ते हैं। तो अपन ने क्या किया? उस पानी को एक हाइट पे स्टोर करके रखा। ठीक, यहाँ से पानी को छोड़ा, ये स्टोर करके रखना यानी क्या? उसकी स्थिति की वजह से ये एनर्जी उसमें है कि वो हाइट पे स्टोर्ड है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी ये होता है। ठीक है, कि आपकी किसी एक पर्टिकुलर स्थिति की वजह से आप में जो एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा वर्ड्स पे जाओगे आप, अगर फॉर्मूले पता है फॉर्मूले पे जाओगे आप। जैसे यहाँ पे अगर एच इन्वॉल्व है यानी क्या? वो एक पर्टिकुलर हाइट पे है, वो एक पर्टिकुलर पोजिशन में है, उसकी वजह से उसका ये पोटेंशियल है कि उसमें वो एनर्जी है, इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ये गति की वजह से है, वेलोसिटी इन्वॉल्व है इसलिए है। ठीक है, तो एक फॉर्मूले से आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो। अब अगर ये आपको मेंस में 3 मार्कर में भी आ जाता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो आप आराम से 3 लाइन इसके बारे में लिख सकते हो, भले आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। ठीक है, तो अपने को हमेशा पढ़ाई इस तरह से रखनी है, क्योंकि क्या होगा, जब आप मेंस के लिए पढ़ने जाओगे ना तो आप इतनी माइन्यूट चीज़ें नहीं पढ़ पाओगे, तब आपको ये वाली पढ़ाई काम आएगी। ठीक, तो आपको इस तरह से हर चीज़ को डिकोड करना है या पढ़ना है। ठीक है, जिसके कि आप हमेशा उसके बारे में 2 से 3 लाइन लिख सको एटलीस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। चलो, ऑप्शंस एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। हवाओं की ऊर्जा होती है वैद्युत, हटा दूं, है ना। सिर्फ हवा चल रही है पूरे टाइम, हवा हर जगह चल रही है, हर जगह बिजली प्रोड्यूस हो जाती है क्या? नहीं होती, हटा दिया मैंने। ठीक, पहला ऑप्शन एलिमिनेटेड। फिर केवल स्थितिज, ठीक, हटाऊं? ठीक, क्यों हटाया मैंने? क्योंकि मैंने बोला कि स्थिति की वजह से नहीं है उसमें वो एनर्जी, हवा मूव कर रही है उसमें, कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, उसकी गति की वजह से उसमें एनर्जी है। स्थितिज और गतिज दोनों, जब वो चीज़ मूव कर रही है यानी उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है यानी उसमें क्या है? पोटेंशियल वो नहीं है, वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, हटा दिया मैंने, मेरा क्या ऑप्शन बचा? ये ऑप्शन है। ठीक है,
तो मेरा आंसर है केवल गद्य, जिसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपन कंसेप्चुअल ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के भी आंसर्स इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब अब तुम अगर सिर्फ इतना सोचो कि हवा मूव करती है, यानी उसमें गति की एनर्जी होनी चाहिए, तो भी ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो सकता है, ठीक, भले अपन पढ़ें या ना पढ़ें। अगला, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, ठीक। देखो, सड़क पर चलने की अपेक्षा, सड़क को कंपेयर किया है यहाँ पे बर्फ से, है ना, दिस इज नॉर्मल। आपको पता है बर्फ पे अब फिसलन बहुत ज़्यादा होती है, सड़क गीली होती है तो फिसलन जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो या जब भी सड़क बनाते हैं तो वो थोड़ी सी खुरदूरी, या कोई भी सरफेस जहाँ चलना है वो थोड़ी सी खुरदूरी बनाई जाती है, ठीक है। तो क्यों बनाई जाती है? फ्रिक्शन की वजह से बनाई जाती है ना। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा, तो क्या होगा कि आप इजीली लिख भी नहीं सकते किसी सरफेस पे, ठीक। इंटरलॉकिंग नहीं होगी और कोई भी चीज़ जो है वो ना आप चल पाओगे इजीली, ना साइकिल चला सकते हो, ना लिख सकते हो, ठीक है। तो वो एक कॉन्सेप्ट है अपने पास, फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस यानी क्या, अवरोध, ठीक है। किसी की भी उसमें अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में जो भी अवरोध आता है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। वहाँ पे अपने लिए रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और बैड कंडक्टर या इंसुलेटर में अपने को डिवाइड कर देता था। यहाँ जो अपना घर्षण है वो अपने को क्या करता है, हर चीज़ में, डेली लाइफ के एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। चलो ऑप्शन देखेंगे। बर्फ सड़क से सख्त होती है, ये कोई, इसका कोई तुक ही नहीं है, है ना। इस ऑप्शन को तो इजीली, बहुत लेम ऑप्शंस जो हैं वो अपन इजीली हटा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया बर्फ सड़क से सख्त होती है, हटा दूँ, हटा दिया, ठीक। सड़क बर्फ से सख्त होती है, फिर से वहीं आ गए, ठीक, हटा दिया। अगला, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, हर कोई करेगा, है ना, यही यूनिवर्स का नियम है, ठीक है। अगर कोई भी आप एक्शन कर रहे हो तो उसका रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये हटा दूँ, है ना, न्यूटन के नियम में भी यही पढ़ते हैं हम, एक्शन है तो रिएक्शन है, हटा दिया। अगला क्या बचा अपने पास, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक है। देखो, जब भी तुम घर्षण की बात करते हो ना, तो हमेशा ऐसा होता है वो कि ये मेरा मान लो कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये मेरा इस तरफ फोर्स है, इस तरफ उसको मूव करना है या इस तरफ उसको चलना है, तो जो फ्रिक्शन है तुम्हारा वो इस तरफ लगेगा, ठीक। अब तुम्हें समझ आया कि फ्रिक्शन क्यों अवरोध है, क्योंकि वो मूवमेंट के अगेंस्ट है, ठीक, इसलिए वो अवरोध है, ये फ्रिक्शन है, ये नहीं है चलते जाओगे, ठीक है। ये है, एक सर्टेन पॉइंट पे एक सर्टेन फोर्स लगाना पड़ेगा तुमको, एक सर्टेन पॉइंट पे चीज़ें रुकेंगी, एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, ठीक है। ये फ्रिक्शन है, इसको ऐसे करना है अपने को, इसमें वही लिखा है घर्षण कम होता है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था, देखो अब ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के फैक्ट्स मैंने आप लोग को बोला कि आप क्या कर सकते हो, टेस्ट सीरीज़ के थ्रू जब भी आपके नोट्स हैं उनमें आप इनको लिख सकते हो, है ना, एनरिच कर सकते हो अपने नोट्स इनके थ्रू, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व, न्यूटन से पहले, देखो इंडियन जो फिलॉसफी, ज्योग्राफी, नेचुरल साइंसेस जो भी हैं वो बहुत रिच रहे हैं हमेशा से, है ना। हम लोगों का ये रहा कि हम लोगों ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या फिर उतना हम उन पर डेवलप नहीं कर पाए, है ना, कॉलोनियलिज्म हुआ, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, तो जिस पर हम क्या हुआ, हम उस पर ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है। पर कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो ऑलरेडी हमारे साइंसेस में चली आ रही थी, ठीक है। तो ये भी उसी में से एक है, न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, है ना। ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, सब कुछ, हर एक ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी होती है, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को, ये ग्रेविटी का नियम यही है कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को यूनिवर्स में अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षित, तो देखो इसका तो अब डायरेक्टली ये ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं जो या तो आते हैं या तो नहीं आते हैं, ठीक है। पर ये यहाँ पढ़ने से या टेस्ट सीरीज़ में पढ़ने से क्या फ़ायदा हो जाता है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, है ना, या इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे मैं बोल दूँ कि ठीक है अब ये है, तो अगर ऐसा कोई रिलेटेड क्वेश्चन आया तो मैंने बोल दिया नहीं, नहीं, ब्रह्मगुप्त ने तो ये सिद्धांत दिया था, ये वाला नहीं दिया था, है ना। तो इसको इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी फैक्ट आपके लिए वेस्ट नहीं है, ठीक है। इसका आंसर अपने पास ब्रह्मगुप्त है, ब्रह्मगुप्त जो है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत भी दिया था उन्होंने, है ना। अब अगर ब्रह्मगुप्त के ऊपर तीन लाइन आ जाती, क्योंकि अपने पेपर थ्री में साइंस और साइंटिस्ट्स के ऊपर तीन नंबर के तीन मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं, तो ब्रह्मगुप्त के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये भी लिख सकते हो कि ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया उन्होंने, उन्होंने बताया कि न्यूटन के पहले ही उन्होंने बता दिया था कि गुरुत्वाकर्षण
हर चीज़ में होता है, ठीक है, ग्रेविटी होती है। तो एक और अपन ने फैक्ट तैयार कर लिया कि ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना तथा सर्वप्रथम यह बताया, ठीक है, गुप्तोत्तर कालीन के हैं यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड के हैं, ठीक है, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हैं ये, ठीक, दो चीज़ें हैं, मैथमेटिकल मैथमेटिक्स देखते हैं और एस्ट्रोनॉमी देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। क्या दिक्कत है भैया इसको? ठीक है, अगला, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, ठीक है, देखो जब भी कोई ये एक यूजुअल मतलब क्या बोलूँ, एक जनरल सा सिद्धांत वो है कि जब भी अपन स्पेस की बात करते हैं ना, तो अगर वहाँ पे कोई भी समस्या अपन देखते हैं तो अपन लिख देते हैं कि वो ग्रेविटी ना होने की वजह से है, ठीक है, तो अगर आता है नहीं आता है तो अल्टीमेटली अपने पास यही हो जाता है कि ग्रेविटी नहीं होने की वजह से वो प्रॉब्लम वहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में ग्रेविटी वहाँ पर सॉरी वैक्यूम में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि चलो देखते हैं, है ना, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है, वायुमंडल ही नहीं है तो वायुमंडल का दबाव तो छोड़ ही दो, हटा दो, क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेटेड, ठीक है। अगला, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, ठीक है, सौर वायु इज जो अपना सन से विंड आती है, ठीक है, तो उसका तो कोई बल एज इन लगता नहीं है, वो तो क्या है, सन से विंड इस तरफ आएगी, ठीक है, हटा दूं, हटा दिया। वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, देखो ये होता है विस्कोसिटी, ठीक, विस्कोसिटी आपको पता होगी कि ये क्या होता है, फ्लूइड्स में होती है, ठीक, जैसे तेल और पानी, ठीक, कंपेयर करो, तेल आप देखोगे, तेल अगर मैं यहाँ गिरा दूँ और पानी एक तरफ गिरा दूँ, ज़्यादा तेज कौन बहेगा, पानी, क्यों, क्योंकि विस्कोसिटी कम है। विस्कोसिटी क्या है, जैसे अभी अपन ने फ्रिक्शन पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा, वैसे ही विस्कोसिटी है, जब भी कोई फ्लूड है उसके दो लेयर्स, जैसे मान लो ये पानी है, इनकी इसके इन दो लेयर्स के बीच में भी कोई फोर्स होगा, ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या करता है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। मान लो अब ये फोर्स ज़्यादा है तो ये धीरे बहेगा, अगर ये फोर्स कम है तो ये तेज़ी से बहेगा, ठीक, तो ये सिंपल है। अब अगर विस्कोसिटी का मुझे इतना सिंपल पता है कि ये चीज़ होती है, तो अब मैं इससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर सकती हूँ। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि तेल पानी से ज़्यादा तेज़ी से बहता है, तेल पानी से धीरे बहता है, क्यों, विस्कोसिटी की वजह से, ठीक है, कोई मुझसे पूछ ले कि चार मुझे आइटम्स दे दिए, इनमें से किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, सिंपली मैं बता सकती हूँ किसकी विस्कोसिटी, सिर्फ किस फैक्ट की वजह से, क्योंकि मुझे विस्कोसिटी की डेफिनेशन पता है, ठीक है। तो ये आपका काम है कि आपको हर चीज़ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, है ना, तीन नंबर में आपको डेफिनेशन काम आएंगी, आपको प्री में डेफिनेशन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। हटा दूँ, कहाँ से आई विस्कोसिटी, स्पेस में, कौन सी विस्कोसिटी जब वैक्यूम है वहाँ पे, तो ठीक, बचा कौन सा ऑप्शन मेरा, गुरुत्व नहीं होता है, ठीक। तो अगर तुम्हें नहीं भी पता है कि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है या ग्रेविटी ज़ीरो है, पर वो कारण है कि नहीं है, तो तुम बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करके ये आंसर ला सकते हो, ठीक है। अगला, ठीक है, इसमें और भी बताया कि अस्थियों के घनत्व में कमी आ जाती है। देखो बहुत सारी चीज़ें, जब वैक्यूम में जाता है ना व्यक्ति, या ज़ीरो ग्रेविटी में जाता है, तो बहुत सारे अपने जो शरीर है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। क्यों चेंज होती हैं, क्योंकि अपन हमेशा एटमॉस्फेयर में रहते हैं, अपने ऊपर एक सर्टेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा रहता है, जब अपन वैक्यूम में जाएंगे तो वो प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है। तो बॉडी में भी कुछ चेंजेस होते हैं, उनमें से ही एक चेंज ये भी है कि अस्थियों के घनत्व में कमी आ जाती है ना, हड्डियों का डीमिनरलाइजेशन हो जाता है, हड्डियाँ जो रहती है वो उनका डेंसिटी कम होने लगता है, ठीक है। अगला, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, बताओ मुझे, कोई वस्तु है मुझे उसे ऊपर से गिराना है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस तुम लोगों ने देखे होंगे कि अगर दो चीज़ें एक साथ गिरा रहे हैं तो कौन सी पहले पहुंचेगी, है ना, ये क्वेश्चंस बहुत पुराने हैं और बहुत मतलब हमेशा से सबको अट्रैक्ट करते हैं कि क्या है हमेशा, क्योंकि जी जो रहता है मतलब अपना हाँ स्मॉल जी और कैपिटल जी जो रहते हैं वो हमेशा क्या होता है कि लोगों को बहुत हमेशा फैसिनेट करते हैं कि ये क्या होगा इसमें, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे कि अगर दो चीज़ें हैं उनका वेट इतना है, अगर गिराएंगे तो कौन सी चीज़ पहले पहुंचेगी, है ना, लिफ्ट के क्वेश्चंस ऐसे देख सकते हो कि अगर फ्री फॉल कर रही है लिफ्ट तो वेट कैसा महसूस होगा, है ना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखोगे। तो ये है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, उसका भार क्यों चेंज होगा,
उसके ऊपर वेट तो वही एक्टर है ना, उसका वेट क्या है, mg है ना, m यानी मास है उसका, और g जो है वो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक, ये अर्थ जो इसके ऊपर एक्सेलरेशन का फोर्स लगा रही है वो किस फोर्स से लगा रही है, वो इस जी से लगा रही है, तो उसका फोर्स तो यही रहे, उसका वेट तो यही रहेगा, वो नीचे गिर रही हो चाहे, तो वो क्या रहेगा, परिवर्तनशील रहेगा। अब देखो शून्य तो हटा सकते हो सिंपल, है ना, शून्य तो नहीं होगा उसका वेट, डेफिनेटली उसका वेट जो है वो रहेगा, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील और सभी गलत हैं। ठीक है, इसको एक बार अपरिवर्तित, सॉरी, इसको अपन एक बार वो कर लेंगे ना, क्या है ये, अपरिवर्तित रहेगा, है ना, मैंने बोला अपरिवर्तित ही ना कि कांस्टेंट रहेगा, है ना, कांस्टेंट रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे ये गड़बड़ लगा है, ये अपरिवर्तित रहेगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन ठीक था, है ना, चलो आगे चलेंगे। लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। ठीक, सब एक साथ पहुंचेंगे, क्यों, अभी जो अपन ने पढ़ा, सबके ऊपर वेट तो वही लग रहा है ना, सबके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबका जी है, तो सब उसी तेजी से आएंगे, तो सब एक साथ गिरेंगे। ठीक, सिंपल है, एक कॉन्सेप्ट से एम जी का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हो या एम ए का कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हो तो उससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ये जो जी है ये अर्थ की वजह से लगने वाला एक्सेलरेशन है, ये सभी ऑब्जेक्ट्स पे सेम है, सेम तरह से गिरेंगे, उनका वेट भी अपरिवर्तित रहेगा, और जो तीसरा क्या होगा, एक साथ ही नीचे आएंगे। ठीक, तो सिंपल सब हटा दो ऑप्शंस, एक साथ सब पहुंचेंगे। ठीक, एक कॉन्सेप्ट से तीन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। ये वाला स्टेटमेंट सबसे पहले मुझे बताओ, अभी अपन ने पढ़ा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, अपन ने सबसे पहले उसमें यही पढ़ा कि हर एक बॉडी यूनिवर्स में दूसरी बॉडी को एक सर्टेन फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, अगर वो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है मतलब उसमें गुरुत्वाकर्षण है, अगर उसमें गुरुत्वाकर्षण है तो ये स्टेटमेंट गलत है कि चांद में उसका गुरुत्वाकर्षण नहीं है, है, तो मैं पहले ही हटा दूँ इसको, ये स्टेटमेंट ही गलत है मेरा। ठीक, पर मैं ऑप्शंस पढ़ूंगी सारे। ठीक, ये इसका रीज़न है कि नहीं है, रीज़न नहीं हो सकता क्योंकि स्टेटमेंट खुद ही गलत है। ठीक, चलो, कथन और कारण दोनों सही हैं, हटा दूँ क्योंकि सही नहीं है मेरा, कथन और कारण दोनों सही हैं, फिर से हटा दूँ, कथन सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है, कथन गलत है परंतु कारण सही है, कथन तो अगर कथन नहीं भी मालूम था तुम्हें तो भी तुम सॉल्व कर सकते थे, अगर तुम्हें नहीं पता था कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, नहीं भी पता था मान लो तो भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड वाला ऑप्शन अपना ऑलरेडी गलत है। ठीक है, इसमें फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आते हैं कि रेडियस का डिफरेंस है चांद और अर्थ में, है ना, दूसरा मास जो रहता है वो भी डिफर कर जाता है अर्थ, और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपन अर्थ पे लेते हैं ना उसकी जगह वो क्या हो जाता है, जी बाय सिक्स हो जाता है, जो अभी तक अपन एम जी कर रहे थे ना वो एम जी बाय सिक्स होगा ऑन मून। ठीक है, तो इसलिए ये वाला, ये एक कॉन्सेप्ट भी वो कर लो कि वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। ठीक है, यानी 1/6 रहता है, यानी कि जो यहाँ पे एम जी है वो यहाँ पे एम जी बाय सिक्स हो जाता है। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, मास और रेडियस डिफरेंट है अर्थ और चंद्रमा का, है ना, उसको सॉल्व करके एक बार देखोगे, नहीं उसको देख लेना, अगर नहीं होगा तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, अगर नहीं समझ आएगा तो। ठीक है, ये हो गया अपने पास। ठीक, फिर या इसका एक बार एक्सप्लेनेशन चाहो तो पढ़ लो कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान के 1/6 वही है ना, जी बाय सिक्स हो जाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट, किसी पिंड का भार है ना, अब देखो देखो यहाँ पे फिर से अपन वहीं आ गए, जी के कॉन्सेप्ट पे, ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट पे आ गए, यानी जी के कॉन्सेप्ट पे आ गए अपन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अपने पास, पृथ्वी, किसी भी पिंड का भार। ठीक है, देखो ये सबको पता है कि अर्थ जो है वो सब जगह एक जैसी नहीं है, ये मेरे, ठीक है ना, देखो सब अर्थ जो है वो सब जगह एक जैसी नहीं है। ठीक है, अर्थ जो है उसका, अगर मैं बोलूँ अर्थ पहले तो राउंड नहीं, स्फीयर है ना, पूरा 3D में चलेगी, स्फीयर है, उस तरह से इमेजिन करो उसको।
ठीक है, तो अर्थ पे जो रहता है ना, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ये क्या होता है, ये चाहे तुम्हारे इक्वेटर पे हो चाहे तुम्हारे पोल्स पे हो, ठीक है, ये इस पोल पे और इस इक्वेटर पे डिफरेंट होता है। ठीक, जी की वैल्यू जो रहती है वो पोल से इक्वेटर या इक्वेटर से पोल चेंज होती है। ठीक है, जी इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। ठीक, जैसे अभी अपन ने देखा कि अर्थ और मून पे डिफर कर जाती है, वैसे अर्थ पे अलग अलग जगहों पे भी डिफर कर जाती है। क्यों डिफर कर जाती है? क्योंकि जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से, है ना, मान लो ये मेरा, ये एक इसके आसपास मान लो पूरी अर्थ है, ठीक, ये मेरा सेंटर है। ठीक है, अब इस सेंटर से जो बाहर की तरफ इक्वेटर से डिस्टेंस है और इस सेंटर से जो उसके पोल्स पे डिस्टेंस है, ये डिफरेंट है। ठीक है, ये डिफरेंट होने की वजह से, क्योंकि रेडियस डिफरेंट हो गई तो ये जो जी है ये भी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पे किसी भी पिंड का भार जो रहता है वो डिफरेंट हो जाएगा एट इक्वेटर और एट पोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख लो, ध्रुवो ये पोल्स पर ज़्यादा होता है। ठीक है ना, पोल्स पे ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि पोल्स पे डिस्टेंस, एग्जैक्टली। ठीक है, चलो ये हो गया। देख लो, गुणनफल के बराबर होता है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम, और ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? देखो, जनरल जनरल एक वो देखो है, सोचो, है ना, जब लिफ्ट जो रहती है, लिफ्ट में गए हैं अपन सब, लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाती है तो सडनली फील होता है कि ऊपर की तरफ जा रही है ना, लिफ्ट जब नीचे की तरफ जाती है तो भार अपने आप ऐसा लगने लगता है लाइट हो गया, है ना, और जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो अचानक से भारीपन फील होने लगता है कि यार ऐसा है ना, ये एक जनरल फील करने का वो रहता है ना, सराउंडिंग से सीखने का वो रहता है। अब देखो, इसको अगर मैं फिजिक्स के उसमें लेकर के जाऊँ, ठीक, तो मैं क्या करूँगी कि यहीं कर देती हूँ इसको। देखो, मान लो ये मेरी लिफ्ट है, ठीक, अब अगर ये मेरी लिफ्ट है, अभी अपन ने बोला कि अर्थ की वजह से जो फोर्स लगता है वो उसका वेट है। अर्थ की वजह से क्या फोर्स लगा? mg लगा, mg। अब ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? ma लग रहा है। क्यों? ऊपर तो जा रही है ना, ऊपर जा रही है। अगर मान लो मैं मान रही हूँ कि ऊपर जा रही है ये लिफ्ट, ठीक है, ऊपर जा रही है ये लिफ्ट, अब ma फोर्स लग रहा है, मूवमेंट किस तरफ है? ऊपर की तरफ है, यानी एक रिएक्शनरी, या ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं कर रहे, बराबर होते तो ये दोनों लिफ्ट यहीं की यहीं रह जाती, है ना, फोर्सेस बराबर नहीं है। मतलब अब फोर्सेस बराबर नहीं है, यानी ऊपर की तरफ कुछ ज़्यादा फोर्स है, ऊपर तरफ ज़्यादा फोर्स, तो ये ऊपर मान लो मैंने आर मान लिया इस फोर्स को, ठीक। अब ये जो मेरा फोर्स लग रहा है, देखो एक सिंपल मास बैलेंस, इसको बैलेंस करके देखो, ये आर लगा, इससे ये माइनस होगा, माइनस क्यों होगा? ये ऊपर की तरफ फोर्स है और ये नीचे की तरफ फोर्स है, ठीक, इसको मैंने माइनस किया, और ये किस फोर्स से ऊपर जा रही है? एम ए के फोर्स से ऊपर जा रही है, तो नेट मूवमेंट मेरा एम ए के फोर्स से हो रहा है, ठीक है। ये कब कंडीशन है? जब मेरी लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है। अब ऊपर, तो अब मैंने इसको सॉल्व किया, तो आर इज इक्वल्स टू एम जी प्लस ए कर सकती हूँ मैं इसको इजीली, मतलब मेरा रिएक्शनरी फोर्स क्या आ रहा है यहाँ पे? एम जी प्लस ए आ रहा है, ठीक है, सिंपल, कोई इशू। अपन ने सिर्फ क्या किया है, फोर्सेस को बैलेंस किया है। अब यही मानो ये लिफ्ट जो है ये नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये एम जी है, अब ये जो एम ए है ये भी, या आर जो है ये भी नीचे की तरफ लगने लगेगा, तो ये जो मेरी क्वांटिटी होगी ये माइनस हो जाएगी, ठीक, एम जी माइनस ए हो जाएगा वो, तो मुझे यही दिख रहा है कि मेरी ये वाली जो स्थिति है ये ज़्यादा है क्योंकि प्लस में है वो। यानी क्या हुआ कि किसी भी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार ज़्यादा कब मालूम होगा? जब वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होगी, ठीक। तो अपन एक्सपीरियंस से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, अपन उसको फिजिक्स के फॉर्मूले लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी को आप लोग सॉल्व करोगे जब लिफ्ट स्टैटिक होगी, है ना, आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे कि जब ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ठीक, तब मुझे बताना कि क्या सिचुएशन या क्या इक्वेशन आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ठीक, तो क्या है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ये है मेरा आंसर। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, सॉल्व कर लिया अपन ने ये भी, समान वेग में ऊपर जा रही हो, जब अगर कॉन्स्टेंट ही हो गई वेग तो फिर तो वो अपन वैसे हटा सकते उसको, समान वेग से नीचे आ रही हो, फिर से वही है ना,
देखो समान वेग क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे ए और जी जो है वो एक जैसे हो जाएंगे, है ना। जब ए और जी मेरे बराबर हो गए तो मेरे तो पूरी इक्वेशन ही बिगड़ गई, किसी में कोई मतलब ही नहीं है। जब मैं एम ए माइनस एम जी करूँगी पूरा जीरो हो जाएगा वो, है ना। तो ये दोनों समान वेग वाले तो मेरे वैसे ही हट गए, ठीक। सिर्फ त्वरित गति से, ये त्वरित गति जो है इसकी वजह से एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, उसी को अपन बैलेंस करेंगे, ठीक। इसलिए अपन ने समान वेग वाले ऑप्शंस हटाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ये सॉल्व करके इक्वेशन, है ना। तो इक्वेशन इसको एक बार इसमें से भी देख लेना। अगला, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। देखो अभी अपने को पता है, अभी जब अपन ने चंद्रयान की लैंडिंग कराई तो भी यही बोला कि चंद्रमा पे क्या है, लैंडिंग इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है, है ना। एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से क्या है, अपने को पता नहीं चलता है कि उसका स्पीड क्या रहने वाला है, वो किस तरह से रिएक्ट करने वाला है, वो कैसे लैंडिंग करेगा वहाँ पर, है ना। अपने को नहीं पता रहता है, इसलिए बिना एटमॉस्फेयर की जगहों पर लैंडिंग कराना इज़ ज़्यादा टफ, ठीक है। तो यहाँ पे चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के, तो पहला फैक्ट तो अपने को ये पता चला कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अब दूसरा अपने को पता करना है, चलो ऑप्शंस पे चलते हैं। यह पृथ्वी के निकट है, ये कैसा ऑप्शन है। पृथ्वी के निकट होने और ना होने से एटमॉस्फेयर होना और नहीं होना क्या होता है। ऐसा तो मैं बोल दूँ कि पृथ्वी के निकट है तो होना चाहिए एटमॉस्फेयर, क्योंकि अर्थ पे है एटमॉस्फेयर, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। तो हटा दूँ, पहला हटाऊँ, ठीक। यह पृथ्वी के निकट है, हटा दो। यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, धरती भी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, अपना पूरा सोलर सिस्टम सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, तो ऐसा ये तो कोई डिसाइडिंग फैक्टर है ही नहीं कि सूर्य से प्रकाश प्राप्त करना वायुमंडल का वो है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी भी खुद परिक्रमा करती है सूरज की, है ना। बहुत सारे एस्टेरॉइड्स जो हैं वो भी परिक्रमा करते हैं, पर इससे वायुमंडल होना और नहीं होना कैसे डिसाइड होता है, ठीक, नहीं डिसाइड होता। ये भी ऑप्शन हटा दो। आखिरी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यमूल वेग से कम होता है। देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन। अगर इंग्लिश में मैं बोलूँ पलायन वेग, दिस इज एस्केप वेलोसिटी, ठीक। एस्केप वेलोसिटी तुमने सुना होगा, जैसे मैं बहुत एंटी सोशल टाइप की हूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है सोशल एंड ऑल, है ना। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे सिचुएशन से एस्केप करूँ, यानी कट लूँ वहाँ से, ठीक, निकल जाऊँ वहाँ से जैसे तैसे। तो दिस इज पलायन वेग, ठीक। जैसे अगर जब भी अपन डिसाइड करते हैं कि धरती से किसी चीज़ को धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर निकालना है ना, तो उसको एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि वो धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर हो जाए, ठीक। मतलब मुझे किसी एक सर्टेन पोजिशन से या किसी एक सर्टेन एटमॉस्फेयर से बाहर निकलना है तो मुझे एक एस्केप वेलोसिटी चाहिए, है ना, वहाँ से कटने के लिए, ठीक। तो दिस इज पलायन वेग और एस्केप वेलोसिटी, ठीक। तो क्या होता है, जो गैसेस की एस्केप वेलोसिटी है अपने चंद्रमा पर वो ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे गैसेस जो रहती हैं वो क्या होता है, कोई एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं हो पाता है। एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट होता है, जब बहुत सारी गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, एक ब्लैंकेट बनाती हैं गैसेस का, जो कि एटमॉस्फेयर कहलाता है, ठीक है। वो चीज़ हो ही नहीं पाती है क्योंकि एस्केप वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। नहीं भी आता था तो भी ऑप्शन एलिमिनेट करके इजीली कर सकते थे आप ये क्वेश्चन, बट स्टिल ये एक आपका फैक्ट ऐड कर देता है, या आपका एक जो नॉलेज है उसको हॉरिजॉन्टली बढ़ा देता है ना, कि ठीक है मुझे ये तो पता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, पर क्यों नहीं होता है, ये कारण है, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर लिखा है धरती पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, मुझे धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर किसी चीज़ को भेजना है तो मुझे एटलीस्ट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। वहीं चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वे वहाँ से पलायन कर जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर दिया हुआ है 2.4, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है। लाओ, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति,
का कारण है। देखो अपन ने सबने देखा है ना, जब भी अपना बारिश होती है उसकी जो बूंदें होती है, या जब नल भी टपकता है, नल टपकता है देखा होगा ना, नल भी जो टपकता है उसकी बूंदें जो रहती है वो गोल रहती है ना। हमेशा चीज़ों को ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, छोटे हिस्से में देखो उसको। जब उसको छोटा करते जाओगे ना तो तुम्हें क्या होगा, बड़ा जो चीज़ है, जैसे कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जो आज का हिमालय है, मतलब अगर हिमालय को समझना है तो बचाने के लिए वो क्या करती है, छोटे से हिस्से में सिमट के रहती है और गोल जो है वो सबसे छोटा, ठीक, एकदम बचा हुआ हिस्सा वो, ठीक है। तो इसलिए जो पृथ्वी के, इसलिए जो बूंद रहती है वो गोलाकार आकृति रहती है ना। द्रव का घनत्व, द्रव के घनत्व से क्या होता है, डेंसिटी तो किसी की भी, अभी जैसे अपन बात कर रहे थे विस्कोसिटी चेंज होती है, वैसे डेंसिटी भी चेंज होती है ना। तो विस्कोसिटी से कोई फ़र्क नहीं, या डेंसिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, ये हटाया मैंने। वायुमंडलीय दाब, तो ये जो वायुमंडलीय दाब है ये तो सब पे एक जैसे ही लग रहा है ना, सारी चीज़ें गोल क्यों नहीं है फिर, है ना, सिर्फ यही क्यों गोल, बूंद जो आई वही क्यों गोल है, ठीक है, हटाया मैंने इसको। गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी कोई मतलब नहीं है, वो भी सब पे लग रहा है बराबर से, हटाओ इसको। बचा क्या, पृष्ठ तनाव, ठीक है, सरफेस टेंशन। जब भी लिक्विड्स की बात करोगे या फ्लूइड्स की बात करोगे, फ्लूइड्स में लिक्विड्स और गैस दोनों आ जाते हैं, ठीक है, जब भी उनकी बात करोगे तो तुम्हें हमेशा विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इस तरह के शब्द जो हैं वो देखने पड़ेंगे, है ना। डीप में अगर नहीं भी पढ़ोगे तो एटलीस्ट डेफिनेशन देखो, ठीक है। मान लो सरफेस टेंशन आ जाए एग्जाम में 3 नंबर में, अगर एक ही डायग्राम बना देते हो और अगर सिर्फ एक डेफिनेशन लिख देते हो, एक एक लाइन में एग्जाम्पल लिख देते हो कि इसीलिए जो बूंदें रहती हैं वो गोल रहती हैं, हो गया तुम्हारा पूरा आंसर रेडी, ठीक है, इस तरह से तैयार करो उसको, ठीक है। यहाँ वही लिखा गया है कि आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है, ठीक है, इसीलिए अपना। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ठीक है, जब भी आप प्लेन में जाओगे तो क्या होता है, पेन जो रहता है वो लीक करने लग जाता है, ठीक है। पेन लीक क्यों करने लग जाता है, क्योंकि जब जिसने पेन बनाया उसने उसको धरती पे बनाया, धरती पे क्या होता है, देखो मैं इसको हमेशा ऐसे याद रखती थी, हमेशा मेरे साथ क्या होता था ना, मुझे मतलब एटमॉस्फेयर वाला जो हिस्सा था ना वो पढ़ने में बड़ी वो आती थी, झेप आती थी। तो एक तो ये प्रेशर और ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत वेरी कर जाती हैं ना ऑल्टीट्यूड के साथ। तो देखो कैसे याद रखोगे, जैसे ये अर्थ है ना, या ये मेरी सरफेस, धरती पे खड़ी हूँ मैं, ठीक है, ये कोई एक व्यक्ति है जो धरती पे खड़ा है, ठीक है। इस पे क्या होगा, ऊपर एटमॉस्फेयर की जितनी लेयर्स हैं उनका सबका प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो इस पे इन सारी लेयर्स का प्रेशर लग रहा है, तो ये प्रेशर ज़्यादा है, ठीक। अब कोई व्यक्ति यहाँ है, उस पे ये एक आध लेयर तो नीचे चली गई, इसके उसके ऊपर और दो हैं, अब इसके ऊपर इस व्यक्ति से तो कम प्रेशर लग रहा है क्योंकि ऊपर उसके लेयर्स कम है, ठीक है। तो क्या होगा, इसीलिए कहते हैं कि जब हाइट पे जाते हो तो प्रेशर कम होता जाता है, ठीक है, हाइट पे प्रेशर जाओगे, प्रेशर यूजुअली जब अपन उधर माउंटेंस में जाते हो तो क्या होता है कि प्रेशर चेंजेस की वजह से कान बंद हो जाते हैं, दूसरा सांस लेने में तकलीफ होने लगती है क्योंकि एयर जो रहती है वो रेयर होती जाती है ना, तो वो सब इसी कारण होती है, ठीक, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो थिकनेस है या एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है ऊपर जाते वक्त आपके ऊपर कम होती जाएगी, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं, ठीक है, तो मुझे बताओ जब कोई व्यक्ति अगर हवाई जहाज में है तो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा, तो यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लाओ, अत्यधिक भार के कारण, कौन सा भार, भार इज क्या, वेट, फोर्स क्या लग रहा है उसके ऊपर, है ना, हटाओ। स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, क्यों, स्याही वॉल्यूम जो इंक का है वो तो उतना ही है ना, अगर उसने 1 मीटर क्यूब इंक भरी है, 1 मीटर क्यूब इंक की है वो थोड़ी चेंज होगी, ठीक है, ये हटाया। वायु दाब में वृद्धि के कारण, बढ़ रहा है क्या, नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कम हो रहा है, हटा दिया, क्या है, ये है मेरा आंसर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी के कारण, ठीक है, सिंपल है, इजीली चीज़ें कर सकते हो। इसीलिए क्या होता है, पेन जो रहता है, जब प्रेशर जो रहता है वो कम हो जाता है तो क्या होगा कि पेन के अंदर का प्रेशर और पेन के बाहर का प्रेशर, धरती पर था तब तक उस हिसाब से बनी थी वो, ठीक था, अब क्या होगा, ये प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएगा, है ना। और अपने को हमेशा पता होता है कि हर एक चीज़, अपन खुद भी प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हवा भी बहती है, ठीक है, तुम और मैं भी हमेशा यही कोशिश करेंगे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएं,
अपन सब सिलेक्शन क्यों चाहते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना है, ठीक है, थोड़ा सा अपनी लाइफ को ईजी करना है, ठीक है। तो इसीलिए यही यहाँ भी होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहने लगती है इंक, और इसलिए इंक जो रहेगी वो क्या रहेगी, अंदर हाई प्रेशर था धरती के हिसाब से, बाहर अब लो प्रेशर है, तो वो क्या करेगा, लीक करने के लिए बाहर चली जाएगी, ठीक है, सिंपल। ठीक, सॉरी, बढ़ेगा ना जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाओगे। अभी ओशन गेट का तुमने देखा था, ओशन गेट, हाँ, सबमरीन जो अंदर जाके इम्प्लोजन हो गया था, उसमें एक्सप्लोजन भी नहीं हुआ है ना, एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन दो तरह के शब्द, एक्स यानी बाहर की ओर, इम यानी अंदर की ओर, उसमें एक्सप्लोजन नहीं हुआ, उसमें इम्प्लोजन हुआ, क्यों, क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। क्यों बढ़ा प्रेशर, देखो ये धरती के ऊपर है, अब ये और एक कोई व्यक्ति है जो यहाँ है, ये पूरा पानी भी है यहाँ पे, प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, सिंपल, तो प्रेशर बढ़ा, तो प्रेशर इतना बढ़ा कि वो फिर उसमें कुछ खामियां रही होंगी, कहीं कोई स्क्रू टाइट नहीं है या जो भी है, व्हाटएवर जो भी एरर रहा उसमें, उसकी वजह से अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर गड़बड़ हुआ, वो इम्प्लोड कर गई सबमरीन, है ना। तो हमेशा इसको इस तरह से देख सकते हो, है ना, ऑल्टीट्यूड, पहाड़ों पर जाओगे तो भी देख सकते हो, पहाड़ मान लो मेरा यहाँ कहीं है, अब है ना उसकी चोटी, अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ पे जो व्यक्ति है उसके ऊपर ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, यहाँ पे जो व्यक्ति है उसके ऊपर कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ऐसे ही जब समुद्र में जाओगे, यहाँ जो व्यक्ति है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि इस समुद्र का भी प्रेशर है, इस एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर है, ठीक, समुद्र में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत वाटर का जो प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा रहता है ना। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है, और कोई क्वेश्चन, डन, ठीक है, ये उसका वो है एक्सप्लेनेशन है, आप चाहो तो एक बार देख लेना, है ना, PPT अपन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, थैंक यू, है ना। इतने क्वेश्चंस के साथ आप मोटो यही है अपना, कम क्वेश्चंस के साथ अपन क्या करेंगे, एक अप्रोच डेवलप करेंगे कि आंसर्स कैसे अपने को सही चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग ट्राई करो कि ये जो अप्रोच अपन यहाँ पे 10-10 12-12 क्वेश्चंस के साथ कर रहे हैं ना, ये आप रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ करके देखो, तो उसमें क्या होगा, आपको भी समझ में आएगा कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, या मुझसे ये अप्लाई भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करो रेगुलर बेसिस पे, फिर उसके बाद अपन और, क्योंकि अभी 95 डेज के आसपास, 94 डेज के आसपास आपके पास हैं प्रीलिम्स में, तो आप अगर ये 10-12 दिन 15 दिन ये कर लोगे तो आपको एक स्ट्रैटेजी, एक अप्रोच डेवलप हो जाएगा, है ना, बस वही करना है अपने को, ठीक, ओके, थैंक यू।